सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आयुष अकेडमी पे। और कल जो है बीएड एंड बीपीएड का रिजल्ट भी आ चुका था, तो साइट में जो है कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से जो है कल वीडियोस नहीं ले पाया। आज हम देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने दिया है इंस्ट्रक्शंस फॉर मेरिट लिस्ट बीपीएड। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस फॉर मेरिट लिस्ट बीपीएड के लिए देख लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, इन्होंने दिखा हुआ है इसमें जो मेरिट लिस्ट बना रखी है इन्होंने। ठीक है, जो इन्होंने मेरिट लिस्ट बना रखी है उनकी जो काउंसलिंग प्रोसेस होनी है। ठीक है, ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी कैरी आउट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस होनी है उनकी, 26 से 27 नवंबर को होनी है। ठीक है, और साथ में आपको क्या क्या ले जाना है, आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं सारे, हाई स्कूल मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। देखिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको लगना है, इश्यू बाई CMO या CMS। ठीक है, तो जो आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जाएगा वो CMO या CMS से जाना है, एंड एड्रेस प्रूफ भी आपका जाएगा टू द एडमिशन कमेटी इन द फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर वेरिफिकेशंस। द एडमिशन्स टू द बीपीएड कोर्सेज विल बी कन्फर्म ओनली आफ्टर द सक्सेसफुल फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ऑल्सो एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन द स्टूडेंट्स हैव टू सबमिट दियर ओरिजिनल TCCC माइग्रेशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द साइन कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, आपको फीस भी अभी सबमिट नहीं करनी है। ठीक है, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आया है 26 से 27 नवंबर को जो है फिजिकल वेरिफिकेशंस यानी कि काउंसलिंग होगी। ठीक है, कैंपस में काउंसलिंग होगी, और सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट इसमें है मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को जो है प्रॉब्लम्स होगी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के, क्योंकि जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपको बनाना है ओनली CMO या CMS से ही बनाना है। ठीक है, डॉक्टर का यहाँ पे जो मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चलेगा आपके, उसमें CMO या CMS के सिग्नेचर होने ज़रूरी है, काउंटर सिग्नेचर। ठीक है, तो अगर आप देहरादून से हैं, अगर आप देहरादून से हैं तो आप किसी भी जो है सरकारी हॉस्पिटल में चली जाइएगा, वहाँ पे जो CMS है वहाँ से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है, 150 रुपये जो होती है मेडिकल सर्टिफिकेट की फ़ीस होती है। अगर आप श्रीनगर से हैं, आप श्रीनगर से भी बना सकते हैं, श्रीनगर जो है बेस हॉस्पिटल से आप बना सकते हैं। ठीक, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और जितने जल्दी हो आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स आएगी आपको बनाने में थोड़ा। ठीक है, टाइम लगेगा। बीपेट कोर्सेज फ़ी देखिए, ट्यूशन फ़ी इन्होंने टोटल फ़ीस 6,190 रुपये यहाँ पर फीस है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत होगी तो मैं मुझे बता देना। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए, और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कैटेगरी वाइज प्रोविजनल सर्टिफिकेट सिलेक्टेड फॉर एडमिशन्स बीपीएड कोर्सेज 2021-22। तो देखिए, इन्होंने जो मेरिट लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट है, इनका जो है सिलेक्शंस हुआ है। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में जैसा कि आप देख पा रहे हैं 57.5 जो है लास्ट कट ऑफ गई है, एंड OBC में देख सकते हैं आप 45 यहाँ पे लास्ट कट ऑफ गई है, एंड SC में 39 यहाँ पे कट ऑफ गई है, और ST में 43.5 एंड EWS में 53 जो है कट ऑफ गई है। तो ये सारी जो लिस्ट बना रखी है ये प्रोविजनली सिलेक्टेड है। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट है ये, जिनका कि जिनको कि काउंसलिंग अटेंड यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो इन्होंने देखिए बीपीएड और एमपीएड का तो दे रखा है, लेकिन जो आपको जो रिजल्ट चेक करना है यहाँ से बीएड का, तो गाइज यहाँ पे देखिए आपको रोल नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ से अपना बीएड का रोल नंबर जो है, बीएड का जो रिजल्ट है वो चेक करना है। अभी जो है बीएड के लिए कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनाई है, बीएड और एमएड के लिए। ठीक है,
अभी बीएड एंड एमएड के लिए कोई जो है मेरिट लिस्ट इन्होंने नहीं बनाई है। जैसे ही बीएड एंड एमएड की कोई प्रोविजनली सिलेक्टेड मेरिट लिस्ट जो बनती है वो आएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट जिसको हम कहते हैं, अगर वो आएगी तो मैं आपको अपडेट करा दूँगा, ठीक है। यानी बीएड एंड एमएड की अभी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, एक लिस्ट बनाएंगे मेरिट लिस्ट फाइनल, उसके बाद जो है आपका जो है काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जो है बता दूंगा गाइस, आप चैनल के साथ बने रहिए। बाकी जो है जो बीपीएड एंड एमपीएड है इसमें जो है मेडिकल सर्टिफिकेट दोनों में बनेगा, ठीक है। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपका जो है हॉस्पिटल से बनेगा या तो आप चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ ऑफिस से बना लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप जो है हॉस्पिटल से ही बनाइएगा सीएमएस से, ठीक है। सीएमओ से बनाने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स जो है प्रॉब्लम्स होती हो सकती है, तो सीएमएस से आप जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, ठीक है।